कंचना में हमने देखा कि किस तरह कंचना का सामना होने पे लोग दहशत से थर्राने लगते, दिल की धड़कनें थमने लगती, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। यों कहें कि दहशत का दूसरा नाम है कंचना। कंचना जिसकी भी आंखों में झांक ले उसे अपनी मौत नजर आने लगती। अगर किसी के दिल में कंचना का डर बैठ जाए तो बच्चे की किलकारी, हवा के झोंके से लेकर दरवाजे बंद होने की आहट भी उसे मौत की आहट लगती। इंसान के दिल में जब कंचना का डर बैठ जाता है तो उसे सपने में भी कंचना दिखाई देती है। और फिर राघव ने सुन लिया था, अभी दौड़ता आएगा। आप गलत पेड़ पे चढ़ गए हो। पेड़ से फर्क नहीं पड़ता भाभी, बस भूत से बचना चाहिए। आपके भैया देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे। सॉरी भाभी। कंचना 2 में लोग जब नंदिनी की रूह से रूबरू होते तो बड़े से बड़े सूरमाओं का दिमाग डर से सन्न रह जाता, बड़े से बड़े बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती, इंसान इस कदर डर जाता कि वो मौत की कामना करने लगता। साधारण इंसान की बात तो दूर, भूत पिशाच भगाने वाले मंदिर के पुजारी, शमशान के अघोरी तांत्रिक और चर्च के वरिष्ठ अनुभवी पादरी भी नंदिनी की शैतानी रूह को काबू नहीं कर पाए। इस बार उसका सामना हुआ है कुछ निराले महारथियों से, ऐसे फटीचर नमूनों से जिनके आगे शैतान से शैतान रूह भी लाचार महसूस करे। ये हैं तुलसी चाटे, सिर्फ नाम से पवित्र हैं, हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा बेवड़ा। एक सांस में बॉटल गटकने के बाद भूत आए या उसका बाप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वयं किसी राक्षस से कम नहीं है। ए रुक रुक रुक, अरे रुक, आज तो बार के बार ही टोल लगा दिया है, कलेक्शन भारी होएगा। जाने दे, चल तेरे को नवी सिल्क की बाल्टी लेके दूंगा। किधर से आ रहा तू? आने दे चोटली वाले को, चल आपके पास, चल आपके पास, चल चल बताता हूँ मैं कौन हूँ। माय डियर सिटीजन, आपने कितना पोटली पिया? एल्कोहल टेस्ट कर लूं सर? जॉनी जॉनी, यस पुलिस, ड्रिंकिंग विस्की, नो पुलिस, टेलिंग लाइज, नो पुलिस, ओपन माउथ, डियर सिटीजन, टैक्स पे करने के बाद भी विस्की पीने के पैसे कैसे बच जाते हैं? दारू पी के गाड़ी चलाना डेंजरस है, दारू पी के पैदल चलना और भी डेंजरस है। सिटीजन श्री को जेल लेके जाओ। अरे कौन हो? प्योर पंडित ऑफिसर, परेड का कंपटीशन करते हैं, मैं हारा तो जेल में डाल दे। अगर बेवड़े लोगों का परेड हुआ तो उसमें तो चौकस पहले नंबर पे आएगा सिटीजन, पर उसमें भाग लेने के लिए एंट्री फॉर्म भरने के लिए जेल में तो जाना ही पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा, इधर ही सोऊंगा और तू मेरे लिए तंबू लगाएगा। जो करना है इधर कर, गरम सलिया मेरे सीने में घुसेड़ दे या फिर उबलते राई के तेल में डाल और फ्राई करके बाहर निकाल, पर पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। ओहो सिटीजन साहब, बढ़िया सजेशन दिए हैं, आपकी इच्छा मैं चौकस पूरी करूंगा, उसमें भी सलिया वाला आइडिया बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसको लेके जाओ और गरम सलिया डालो। ऑफिसर माला सोर। हाँ मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ। चल 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 सर, नमस्ते। हेलो, बेचारा टेंशन में पी लिया, मेरा ही आदमी है ये सिटीजन, रोज पीता है। आई डोंट नो सर, मेरे पड़ोस में रहता है। बहुत भंकस मारा, आइंदा नहीं करेगा, बता देना उसको। ओके लेके जा। तो आइए अब मिलते हैं सरलता, सादगी और संस्कारों से भरी एक ऐसी हैप्पी फैमिली से जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में इतने संतुष्ट हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं। पापा जी, आरती। जीती रहो। और अब प्रसाद, ये क्या कर रहे हो? और बस। कितना ख्याल रखती हो। पास से देखोगी ना तो चश्मा लग जाएगा। कब सीखोगे?
कैसे हुआ ये? हाँ? दीपा? वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटी। बहुत खूब। M for mango. दीदी कहाँ हो तुम? दीदी तुम कहाँ हो? पता नहीं दादी कैसी होंगी, क्या हम भैया को फोन करके एक बार उनका हाल पूछ लें? सावित्री ने मलेशिया जाने की जिद की थी, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। जब भी भैया की बात निकलती है आप जज्बाती हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ सोच कर ही मैंने अलग रहने का फैसला किया। दादा दादा क्या हुआ दीपा? पता है मेरे पास एक जादुई शक्ति है, जब मैं क्लैप करूंगी डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। अच्छा दिखाओ मुझे। अच्छी कोशिश थी, अब जाकर खेलो। दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। जाकर दादाजी के साथ खेलो। गो।
दीपा, दीपा, दीदी? पता, दीपा सच बोल रही थी, घर में हमारे अलावा कोई और भी है। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा, आइए। अब तुम्हारी बारी, ओके? दादा दादा, आप जाके छुप जाओ और छुपने के बाद 3 बार क्लैप करो, फिर मैं आपको ढूंढूंगी। समझ गया, 3 बार क्लैप करना है ना, ओके। यहाँ खड़ी रहो, रेडी। 1, 2, 3, मैं आपको ढूंढ लूंगी दादाजी। मुझे पता चल गया आप कहाँ छुपे हो, मैं आपको पकड़ लूंगी। मैंने आपको ढूंढ लिया, अब आप नहीं बच सकते। दीपा, दीपा बेटा, क्या हुआ? दीपा बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया दीपा? क्या हुआ तुम्हें? और ये है बाबू, पेशे से नाई लेकिन तेवर और एटीट्यूड ऐसे कि फिल्म स्टार को भी शर्मिंदा करते हैं। एक नंबर की लड़की उत्तरी, नंबर की लड़की, आजा आजा और ऊपर। तो वो नाजों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? बस थोड़ा लेफ्ट की ओर, उधर उधर, ब्यूटीफुल, क्या बात है, लाजवाब, थोड़ा इधर 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 इधर, गो बैक, गो बैक, बढ़िया, बैक, स्टॉप, इधर बाबू गोटे, उधर बाबू स्टार, इधर उस्तरा, उधर तलवार, एकदम बकवास। मैं इंडस्ट्री पर लानत है, तो इंडस्ट्री को चमकाने के बजाय लोगों के तकले चमका रहा है, वहाँ फिल्मों को हिट हीरो की जरूरत है यार।
हेलो, हाँ राजू, पानी कम बोल रहा हूँ मैं। हाँ, फोर इडियट्स का चौथा इडियट मिल गया है। अच्छा, कैसा दिखता है? सड़ा हुआ कद्दू जैसा चेहरा, उल्लू जैसी आंखें, 100 साल से प्यासे होंठ, नाक पकी हुई भिंडी जैसी लग रही है। प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पैसे वाले पार्टी है, इंतजाम हो जाएगा। अरे स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं, सीधा टेक करेंगे इसके साथ। दीपिका पादुकोण है ना हीरोइन, ठीक है। अपने राजू को फोन था। ये राजू कौन था? थ्री इडियट्स का डायरेक्टर, पता है। उससे मिलने के लिए लोगों की जिंदगी कट जाती है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे फिल्म 5 मिनट में दिलवा सकता हूँ। सिर्फ एक रोल, एक छोटा सा रोल। छोटा नहीं, लीड करेगा रे तू। बच्चे की जान लेगा क्या? 3-3 फिल्म। कान की दुकान खोल। थोड़ा खर्चा लगेगा। कितना खर्चा? ये दुकान खुद की है या किराए की है? अपने बाप की। 10 लाख दे, तेरी चमका दूंगा। मैं आ जाऊं, कहां से लाऊंगा? इतना कम करना, ज्यादा लग रहा है। देख ले भाई, लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख। बोले 10 लाख है, बाप के दुकान की लग गई। दुकान नहीं, भंगार थी। तो फिर कल से शूटिंग शुरू। झुमरी तलैया, दीपिका चोपड़ा, 5-स्टार होटल, पूरे कंट्री में तेरे ही पोस्टर। यू सुपरस्टार, तेरी लाइफ अब मल्टी खाने वाली है गुडे। ये उस्तरा काय बुलाया? ये मेरा लकी उस्तरा है, पहली दाढ़ी इसी से बनाई थी, फेंक दो क्या? कोई जरूरत नहीं है, कल को बड़ा स्टार बनेगा तो उद्घाटन में रिबन्स काटने के काम आएगा ना। सही कहा, ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, ए छोटा छतरी, मेरे को नहीं रे, हीरो को। हाँ, हीरो को। पर मेरे लिए काय को? हीरो हीरा लाल है तू। तेरे को इंडस्ट्री का एक रूल पता है? हीरो कभी भी धूप में नहीं चलता। चल अबे, एक मिनट रुको। चल ना, पाए लगो इंडस्ट्री। ये सब प्रेस वाले हैं, तेरी ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। हाय दे। हेलो पानी कम, नया बकरा ढूंढ के लाया क्या? सुन ना ब्रो, उसके ऊपर झूठ मूठ का 4-5 फ्लैश मार देना। ये कुछ पैसे रख ले। थैंक यू। सुन बे, प्रेस तुमसे मिलने के लिए पगला गई है। चश्मा पहन ले ताकि आंख पे फ्लैश ना लगे। और नहीं पहनू तो? अबे नहीं पहनेगा तो कोई हीरो नहीं मानेगा। चल पहन। सॉरी सर। हेलो हेलो सुभाष गई जी, कैसे हैं आप? क्या नया हीरो बाबू कोटे यही है सर? अगली फिल्म में उसे लेंगे सलमान और शाहरुख के साथ। नहीं नहीं सर, इसके पास डेट नहीं है। नहीं। सल्लू भाई, मैं तैयार हूँ। हाँ, अगली फिल्म में देखेंगे सर। हाँ ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है, बाय। सुभाष घाई घाई मेरी था, तू क्यों घाई में था? का कर रहा है तू, पहले चश्मा पहन। कभी भी डुएट हीरो वाली फिल्म मत करना, समझ गया? रूल नंबर 3, कभी भी छोटे मोटे एक्टर्स के साथ काम नहीं करना। एक्शन, हाथ धोए तो सर पे हाथ रखो। हिट भावा, छतरी से बाहर नहीं निकलने देना इसे। सर, आपकी कामयाबी का राज क्या है? आपको एक साथ 3 बड़ी फिल्में मिल गई, ये कैसे हुआ सर? सर, आप पहले सीरियल में काम करते थे क्या? सर सर, स्टेज पर जाइए। टू पैक्स का फोटो ले। इसको तुमने बुलाया है क्या? मैंने नहीं। हाय हाय सर, मैं प्रकाश। इस फिल्म के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। माइक तो चालू है? मेरा भी टुक टुक हो रहा है। ओके। 70 mm के बैनर के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। 70 mm के बैनर ने आप उनसे ये वादा किया कि अक्का 70 mm पे आप उन्हें दिखेगा, वो भी हीरो बन के। या किसने बुलाया इसे? अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ? बाबू गोटे, इस फिल्म का होने वाला हीरो। तो फिर मैं कौन हूँ? विलन। अरे ये हीरो है सलमान हाशमी। अगर ये हीरो है तो मैं कौन हूँ? चपाती बेलने वाला। मैं डुएट हीरो वाली फिल्में नहीं करता। पानी कम से मेरी डील हो गई है, मैं सोलो हीरो वाली फिल्म ही करूंगा, बाकी ले। पानी कम कौन है? वो तो पानी कम को नहीं जानता ये। पता नहीं भाई, सुभाष मस्तान, अब्बास बंसाली, सबको उससे स्टार डायरेक्टर बनाया, तू उसको नहीं जानता? चढ़ा दीजिए कर भोजपुरी प्रोड्यूसर बात करता है। मीडिया वाले ध्यान से देखो, गर्मा गर्म न्यूज मिल रहा है। फिल्म में मेरे 10 लाख रुपए, मुझे जाने तो, नहीं तो मेरी लग जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बहुत सी इमारतें गिर चुकी हैं। भारी चट्टानों के गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में भारी नुकसान हुआ है।
दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे हालात अगले 48 घंटों तक बने रहने के आसार हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ विमल। हाँ बोलो। अच्छा विमल, जरा ध्यान से सुनो यार, मेरे मम्मी पापा की कोई खबर मिली क्या? अरे न्यूज देखकर उनकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे। 4-5 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ पर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। प्लीज ट्राई करना मेरे भाई, बहुत टेंशन हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखो यार, मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। भारी बारिश की वजह से वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो गया है। अरे यार, तुम्हारे पास तो दुनिया भर के रिसोर्सेज है, कहीं से कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकालो प्लीज। ठीक है ठीक है, देखता हूँ। डोंट वरी राम, गलती मेरी है कि उनकी जिद मान के उन्हें मैंने अकेले जाने दिया। अब यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे इंडिया जाना ही होगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ क्यों ले आया? सॉरी यार, हर मुमकिन कोशिश के बाद भी तुम्हारे माता पिता का पता नहीं लगा पाया, सर्च ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। इस हॉस्पिटल में कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज रखी हैं, जाके देख लो, शायद उन्हें पहचान पाओ। राम, उनके अंतिम दर्शन भी शायद मेरे नसीब में नहीं है। जब भी इस घर को देखता हूं माता पिता की याद सताने लगती है। उनके बिना एक पल भी मन नहीं लगेगा यहां। अगले हफ्ते तक सारी फॉर्मेलिटीज और काम निपटा लूंगा, फिर मलेशिया वापस चला जाऊंगा। इसके बाद शायद ही कभी वापस इंडिया आऊं। और इस घर का क्या करोगे? जब माँ बाप ही नहीं रहे तो इस घर का क्या करूंगा? जल्दी इसे बेच दूंगा, कोई खरीदार ढूंढना होगा। ये लीजिए माँ जी। तेरी जैसी नेक औलाद हर माँ बाप को मिले। राम, मैंने अपनी पहचान के एजेंट से बात की है, उसने बताया कि एक फैमिली तुम्हारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। देखो कल शुभ दिन है, अगर तुम्हें उनका ऑफर ठीक लगे तो वो कल ही गृह प्रवेश की रस्म कर लेंगे। दादाजी, क्या सचमुच के भूत होते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। दीपा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छे पुजारी को जानता हूँ, कल उसे बुलवाऊंगा। ठीक है? ठीक है। इधर आना, एक्टिंग की दुकान चला इधर। सर 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 सर, भूत किधर है देखा? मेरी मरी माँ की कसम इधर ही है सर सर सर। हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। सर गेम तो यहाँ भूत लोग खेलते हैं, रात को लुक्का छिपी खेल रहे थे, नारायण से पूछ लीजिए ना। और अगर ये बात झूठ निकली तो दलाली मत देना और मेरी दाढ़ी मूंछ बाल सब मुड़वा कर गधे पर घुमाना। आइए नारायण जी। ये मेन हॉल है, ठीक है। खाना उधर पकाने का है, इधर साथ में सोने का रूम है, ऊपर अकेले सोने का है। नहाने धोने का दिखाता हूँ, आइए मैडम। वो टॉय मेरा है, वो मेरा टॉय है।
मुझे वापस दो। पापा पापा। क्या हुआ बेटा? उस रूम में भूत की बच्ची है। हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता, जाओ खेलो। तू हमें मारना चाहता है पागल। ए रुको। मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया दादा। मेरे बालों की कसम, यहाँ भूतों का डेरा है। इस चिरकुट की बातों पर यकीन तो नहीं होता, पर इसकी कहानी से खूब कमाई करेंगे। ए, ये ले आशकर, मार्केट में ये बात फैला दे कि यहाँ 40 भूत हैं। मिर्च मसाला लगा के बताना। उससे क्या होगा? चल भाग। यादव, घर को बेचने की राम को बहुत जल्दी है, और यहाँ भूत होने की अफवाह भी है। इन बातों का फायदा उठा के घर को कौड़ियों के दाम खरीद सकते हैं। अरे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। इस घर पे बुलडोजर चलवा के एक मस्त मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं। प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, क्यों, डील सही है कि नहीं? बहुत सही है, जल्दी से काम पे जुट जाओ। चल चलते हैं। दद्दू 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 आराम से। दीदी, क्या हम मर चुके हैं? दीदी, क्या हम सचमुच भूत बन चुके हैं? दद्दू, हम में से किसी को याद ही नहीं कि हमारी मौत कब और कैसे हो गई। दादी जी को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। शरीर के मरने के बाद इंसानी रिश्ते भी मर जाते हैं। भले ही हम मर चुके हैं, पर दादी जी के लिए प्यार आज भी जिंदा है, इसीलिए हमारी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो दादी जी के लौटने तक क्यों ना हम लोग यहीं रुक जाएं? इस घर में आने वाले लोग हमें यहाँ रुकने नहीं देंगे। वो जान भी चुके हैं कि हम आत्माएं हैं, वो हमें भगाने की कोशिश करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं, जब तक दादी नहीं आती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दीदी, जब तक हम लोग जिंदा थे डर के साए में ही जीते रहे, अब मर के हम लोग क्या कर लेंगे? शरीर के साथ साथ मन का भय भी मर चुका है, अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कल तक जो हमारी कमजोरी थी अब हमारी ताकत बनेगी। डराना आज से हमारा हथियार है। पापा को इस गाड़ी से बहुत प्यार था। सर 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 सर, ये घर की चाबी आपने पास रखो। सर, इस घर में भूतों का डेरा है, इसे मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो, ये भूत सर, सर? सर। रेट गिराने के लिए फालतू अफवाह फैला रहा है। सर, घर अगर अच्छी कीमत पर बिकेगा तो कमीशन भी अच्छा मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे कहीं घर में सचमुच तो भूत नहीं? किसकी बातों में आ गए, वो एक अनपढ़ एजेंट है। मैं एक बड़े बिल्डर को जानता हूँ, यादव नाम है, उसे भूत प्रेत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसे खरीद लेगा। आज शाम को उसके ऑफिस जाके बात कर लेंगे, ठीक है? नमस्ते, आ गया पोंगा पंडित।
बैठ सर, उसको चिकन मंचूरियन खाना है लेकिन वेजिटेरियन में। शाकाहारी मुर्गी आ गई? हाँ आ गई सर। उसी को फ्राई करके ले। ठीक। रियल बेवड़े को रियल पंडित। धन्यवाद। पंडित जी, शराब पीना आपके बस का नहीं, आप तो जूस पियो, पूजा करो और पुण्य कमाओ। आपको पता है बाहर में पंडित और बच्चा नॉट अलाउड। मैं आपको पीने का क्रैश कोर्स कराता हूँ। बहुत लोगों को बेवड़ा बनाया, तुमको भी बना दूंगा। मेरा नाम पता है? ब्लॉकबस्टर बेवड़ा। आपसे मिलके अच्छा लगा। पहले बोतल को ऐसे उठाओ, हाथ से बोतल का वजन करो, बोतल को माथे पे टपली मारो, नीचे का नशा ऊपर लाओ। कभी कभी क्या होता है, कोई नशा ज्यादा जिद्दी होता है तो एक बार में ऊपर नहीं आता है, तो उसके लिए दोबारा नीचे से टपली मारो और फौरन ढक्कन खोलो। आ गई ताकत रे। That's well played. Brave shot. He's played it against the turn and it's in. ए भाव, काय कर तो रे? बुक चेक कर रहा हूँ। उधर मैच, इधर बुक। चमा रही है बुकी। बॉल मांडी पे रगड़ा, मतलब छक्का उड़ाएगा। डिलीवरी कम्स टू बी। बॉल गेला रे भार। फिर मांडी पे रगड़ रहा है बुकी भाव। ये बॉल पे भी छक्का पड़ेगा। लग गई, पूरा मैच फिक्स है। ये बॉल पे भी सिक्स है। ये भेवड़े के छक्के छूटने वाले। पंडित जी, राहु की दशा सही नहीं है। और चुप, खेलने दे इसको। करेक्ट, मैं आमिर बनने वाला हूँ। चमाइला। डॉग दिस चाइल्ड। अबे पोंगे, ये पुराना मैच है, जा कुंडली के रॉकेट बना जा। तो पहले काय को नहीं बोला? तेरा साउंड एंड विजन ही बनता। अबे पुराना मैच दिखा के पंडित को बेवकूफ बनाता है। चल पैसा नहीं, पंडित का इसको भाग गए। चल अरे भाई साहब प्लीज, रुको, बात तो सुनो दोस्तों। वर्क इन प्रोग्रेस। अरे सर, पुअर मैन है, फ्रस्ट्रेशन में घर जाएगा, दो बच्चे एक्स्ट्रा पैदा करेगा। जा ऑर्डर ले, चल। देखो राम भाव, 1 करोड़ में डील नक्की करो, पूरा पेमेंट आज ही कर दूंगा। मार्केट वैल्यू 10 करोड़ की है या तो, और तुम 1 करोड़ में मांग रहे हो। जिस घर में भूत रहते हो उसके लिए बहुत ज्यादा है। क्या आज के जमाने में भूतों पे यकीन रखते हो? भगवान दिखाई नहीं देता, इंसान दिखाई देते हैं। फिर भी इंसान से ज्यादा भगवान में विश्वास है। बात दिखाई देने की नहीं है, आस्था और विश्वास की है। यादव, 1 करोड़ बहुत कम है। जान से बढ़कर तो नहीं, आराम से सोच समझ लो, ये फाइनल ऑफर है, बाकी तुम्हारी मर्जी। होल कैश दूंगा। ऐसे तो इनसे बिल मत लेना। आई गॉट यू सर। सुन लिया, तुम मलेशिया लौटना चाहते हो, उनका कहना है कि वहाँ आत्माएं हैं, अब क्या करोगे? तुम उससे बात करके सही रेट में डील फाइनल कर लो यार। ठीक है, फिर से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ, टेंशन मत लो। नमस्ते। हेलो, सर एक स्मॉल माउथ बिग टॉक है। ऐसा आइडिया है कि आपका लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट का पता भी नहीं चलेगा। और कहते हैं वहाँ भूतों का वास है, वहाँ कोई टिक नहीं पाएगा। नहीं टिकती, भूत कहाँ से टिकेगा? तो बताओ क्या किया जाए। घर को किराए पे देंगे और किराएदार को कैशबैक ऑफर, 3 लोगों को 3 दिन और नाइट के लिए फ्री स्टे देंगे। वो वहाँ रहेंगे, बात फैलेगी, लोग कमेंट और शेयर करेंगे, फिर मुंह मांगे दाम पे ग्राहक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। हाँ, पर क्या तुम ऐसे लोगों को ढूंढ पाओगे जो इस ऑफर के लिए तैयार होंगे? सर मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसा एक अनक्वालिफाइड आदमी है, पैसों के लिए मैयत पे भी आइटम नंबर कर सकता है, इस काम के लिए वही गिरा हुआ आदमी सही है। तो मिशन रूममेट शुरू करें सर। मिशन का मेरा कमीशन मिस मत करना। उसे मिस्ड कॉल देता हूँ। अब सिद्धू एकदम कड़क बोला भंटा है, इस बंगले को देखते ही भूत की याद आ गई। अरे भूत हमारा क्या बिगाड़ लेगा यार, हम लोग भूतों के गॉडफादर हैं। अबे ये फ्लैश की दुकान को तू बुलाया? अरे कोई भूत मिल गया तो वीडियो बना के YouTube से पैसे कमाएंगे ना। अरे यहाँ भूत होता तो फोटो आती ना। अरे अबे मामू मेरा फोटो क्यों ले रहा है?
सेफ्टी ब्रो, अगर इस हाउस में हमें कोई भूत नहीं मिला तो तुम्हारा डरावना चेहरा अपलोड कर देंगे। चल जा। फोटो, चल निकल। अबे जा। वो मेरा टॉय है। Huh?
फुलवारी wake up, उठो, घर में भूत है, फुलवारी, wake up, शंकर ब्रो, where are you, शंकर ब्रो, फुलवारी, ये घर हमारा है, dear nurse come mother, water. बेहोड़े के तो पानी में भी नशा होगा। मदर, एक गोली खा के बीपी कम होगा, दो गोली खाऊंगा तो मैं ही कम हो जाऊंगा। चल कॉफी पी। नहीं नको नको। अरे पी ना। अब लक्ष्मी। आई कमिंग। कम हरीली। लक्ष्मी मदर को अंडरग्राउंड कर दो, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। भूलने की बीमारी ग्रो होती जा रही है। रेस्ट इन पीस मदर। स्लोली स्लोली क्रॉस रोड। ओके ब्रो। मुंह हैंग आउट क्यों है? क्या बोलूं, नशे ने सत्यानाश कर दिया। पोरगे के ऑपरेशन का पैसा जुए में हार गया। जोरू ने राशन पानी भी बंद कर दिया। मेरा पैसा वापस दिला तो बहुत मेहरबानी होगी। अनपॉसिबल। पान की थुकी पीक और यादव को दिया पैसा कभी वापस नहीं आता। इन क्रेडिट हुए पैसों को कहीं और से डेबिट करना पड़ेगा। सेतू भैया, मेरे बच्चे को मरने से बस आप ही बचा सकते हैं। इसके ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कर दीजिए। उस बेवड़े से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे लाल पीले गुलाबी को बचा लीजिए। मैं आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। मेरी झोली में ऑपरेशन के पैसे डाल दीजिए। ये झोली झोल करेगी। इमोशनल अत्याचार। मेरा पैसा सिद्धू भैया। ओवर एक्टिंग। भाभी ने कसम खिला के बदहजमी कर दी, वरना बेटा तुझे तो लूज मोशन करा था। वेट, पैसे आ जाएंगे कभी तक। अबे पोस्ट डेटेड भिखारी, मेरी एक डील होने वाली है, पेशेंट रख। एवरीबडी होम। शंकर ब्रदर, चल हट, दरवाजा खोलो। ए दरवाजा खोलो। वो गांव में मैराथन है। फुलवारी, क्या हुआ? स्लीपिंग ब्यूटी यहाँ क्यों लेटा है? वेक अप सिड। नो शंकर बीट। शंकर भैया, ओ शंकर भैया। सर तूने कहा था तीन लोग हैं, तीसरा कहाँ है? यही होगा। कोई मर मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अंग्रेजी होगा। ए, इस गधे की बातों में आके टाइम वेस्ट कर रहे हो? यादव से अच्छा पैसा कोई नहीं देगा। सर 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 सर, प्लीज प्लीज, एक लास्ट चांस, एक लास्ट चांस। इस बार नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लोगे? मैं खुद यहाँ पर रहूंगा। मैं यहाँ रहकर साबित कर दूंगा भूत भूत कुछ नहीं। सर प्लीज। यादव बोल भाई, अभी कहाँ हो? अपने बार में। ओके, मैं राम के साथ आ रहा हूँ डील फाइनल करने के लिए। सर प्लीज, चलो यादव से मिलते हैं। सर 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 प्लीज, एक लास्ट चांस। ठीक है, तुम्हें एक चांस दे देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल चांस। अगर तुमने यहाँ रुक के ये साबित कर दिया कि आत्मा नहीं है तो 10% दूंगा। थैंक यू सर। देखो ये बूढ़ा जिंदा भी है या मर गया। हाँ सर, हाँ सर। फुलवारी, नो रिप्लाई। शंकर ब्रदर, शंकर ब्रदर, वेयर यू आर शंकर? सॉरी, टेंशन में कुछ दिखाई नहीं दिया। हट रहे, डॉक्टर भाव आ गए। क्या पेशेंट, तेरी हालत तो मुर्दे जैसी है, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पल्स रेट जीरो है, लगता है ऊपर वाला तुझे याद कर रहा है। पर मैं हूँ ना, ऊपर वाले को ये पावर डॉक्टर को देना चाहिए कि किसे मारना है और किसे बचाना है। उसे देखो, उसने जहर पिया पर हमने जाने नहीं दिया। जस्ट चिल डॉक्टर, चिल चिल चिल। मत कर ज्यादा चिल चिल, वरना देनी पड़ेगी पिल। सुन ले, अगली बार अच्छी क्वालिटी का जहर पीना। अगर तू मर गया तो तेरा पोस्टमार्टम फ्री। अगर तेरी तबीयत बिगड़ने लगे तो दवाई गंगा जल के साथ लेना। ध्यान रख इसका। हो हो। डाई करने को ट्राई क्यों किया? लंबी कहानी है, पिक्चर बनाएंगे तो दो पार्ट में बनेगी। Don't leak water, please, don't leak water. It's okay, कितना पैसा चाहिए?
हीरोइन डायरेक्टर लोकेशन मिला के 50 लाख 1 करोड़ दोगे तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तेरा लकी उसरा दे। हाँ देता हूँ। मेरा गला तो नहीं काटेगा ना? अबे तो और क्या काटूंगा? मेरा 10 लाख वापस दिला दे। सच कहता हूँ, नई ब्लेड से दाढ़ी बनाऊंगा। दिला दूंगा। मुझे क्या रिवर्स बैंक ऑफ बैंकॉक समझा? पीछे से हिचकोले मत ले। गरीबों के शाहरुख, तेरी सड़क छा पपी जैसी लाइफ बेकार है। अपनी जिंदगी से 3 दिन मुझे खर्चा करने दे, फिर छाजा मल्टीप्लेक्स। अरे उसने तो 10 लाख रुपए लिए थे, तुम तो मेरा नाड़ा पैजामा निकालने के पीछे पड़े हुए हो। अब मेरे पास सिर्फ ये उस तरह बचा है तो मैं किस तरह दूं? दाढ़ी मिटाने के इरेजर से क्या तेरी किस्मत इरेज करूं? सर, उसके पास उस तरह तो है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपका काम करूंगा, मुझे 10 लाख दे दो या 7.5 दे दो, 4 लाख भी चलेगा सर, मैं आपका काम करूंगा। ठीक है, डील डन। क्या माइला 10 लाख से सीधा 4 लाख? आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? ए भाई, अंदर ऐसे तो चल रहा है। सुपर। थैंक यू। एटीएम की चोरी का बैंक को पता चलते ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बंद हो जाएगी जीजाजी, इसीलिए हमने एटीएम में पैसे रख दिए हैं। जब 2-4 डंडे इसको पड़ेंगे तो सब उगल देगा। सर, राजा। सर, ये एटीएम है कि मनोरंजन का होटल है, जो रूम का भाड़ा दे के चले गए, या फिर सुलभ शौचालय जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर करके गए? नहीं सर। वीडियो देखा ना? देख के क्या समझा? रोटी सेक रहे थे? इंटरवल के बाद की फिल्म जो गंडा? राजा। सर, मैं तुझे चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ, पर तू बजाता बहुत अच्छा है बकुड़ा। देख, तारी काकी ने मेरा मूड खराब कर दिया है। काकी को मैं भूल जाऊं ऐसा सुर लगा। क्या बांबू बजाता है बकुड़ा। तेरा केस सर, लिखने से पहले क्लोज, ये पुलिस का वचन है। अबे अपने फ्रेंड्स। सर थैंक यू। चल तो एक काम कर, बोलिए, वो चोरी का पैसा लौटा दे। ओके सर। पैसे नहीं है बकुड़ा। सर की कसम खाता हूँ सर, पैसा ना थी। नहीं सर, बंसी बजाएगा। क्यों बोलूंगा? पापा। स्टॉप फ्लूटिंग। इसके बांसुरी के सुर सुन के आंखों से सुरसुर बहने लगे। समझ गया, दर्द के मामले में हम सबका जॉइंट अकाउंट है। अगर मेरे लिए काम करोगे तो सबको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? 2 कौड़ी का आदमी 10 लाख सुन के भी खुश नहीं हुआ? ओहो, साउंड की गोटी बाहर है। मेरे लिए काम करोगे तो 10 लाख दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल। अरे देवा।
राम पंचमी। कहाँ हो तुम? ए, कौन हो तुम पीपल? चाबी तो मेरे पास है, तो तुम लोग अंदर कैसे घुसे? प्लीज सर, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, दो मिनट रुक जाइए, पूरा हो जाएगा प्लीज। ए, मैं जानता हूं तू यही कहीं छुपी बैठी है। आ, मेरा भैया मिलने आया है। भैया? भैया! दीदी, अरे कैसी हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? कोई नहीं चल रहा, सब बैठे हैं, पता नहीं कौन है। क्या कर रहे हो तुम लोग? किससे पूछ के यहाँ आए? चलो खड़े हो जाओ। सर मैं बताता हूँ। सर सर सुनिए ना प्लीज, मेरे घर वालों की आत्मा यहाँ बसी हुई है, एक बार उनसे पूछ लूँ कि मेरा आधार कार्ड कहाँ रखा है, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। अरे कौन सी सदी में जी रहे हो, और तुम्हारी फैमिली की आत्मा मेरे घर में क्या कर रही है? मेरा यकीन कीजिए सर, वो यही है। नॉनसेंस इज दिस। नो नो विमल, ये हटाओ यार, ऐसा मत करो। चलो यहाँ से, सर चलो यहाँ से। सर चमारी तांत्रिक को उठा के फेंका। ये आत्माएं किसी वजह से यहाँ रुकी है, उन्हें प्रतिशोध लेना है। तुम सबका अंतकाल दिख रहा है मुझे, कल सुबह यहाँ सबकी लाशें बिछी होगी, सबका दर्दनाक अंत होगा। हाँ ठीक है ठीक है, में मिल जाएंगे। चलो चलो यहाँ से, निकल यहाँ से, वो छोड़ेगी नहीं। एजेंट पर यकीन नहीं था, कल जो तीन लोग यहाँ रुके थे उनमें से दो पागल हो गए और तीसरा अब तक मिसिंग है, शायद अब तक मर चुका होगा। यहाँ पर आत्माएं रहती हैं, इसका मतलब ये भूत बंगलो है। ये सब फेक टॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें यहाँ मारने लाया है, यहाँ पिकनिक बनाने आया है, अगर कोई मरा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों कोई मरेगा? क्या है राम? बस कर, इनफ इज इनफ। सी सर, एक सेकंड। सिद्धू, तुम एक आखिरी चांस चाहते थे ना? वांटिंग सर। दिया, अगर तुम्हारे प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ तो 10% नहीं 20% कमीशन दूंगा। रनिंग सर, कल सुबह आके मैं चेक करूंगा, अगर रात भर रह पाए इट्स फाइन, नहीं तो मैं यादव के साथ डील फाइनल कर लूंगा। स्टेइंग सर। चलो विमल। नॉनसेंस नॉटी बाबा, इतने लेमन में तो कितना लेमिनेट बन जाता। ऐसे अपना ही रेजिडेंस समझो, वहां पर बाथरूम है, ऊपर जाके बेडरूम है, और फेस का कलर फ्लाई क्यों है? सर आपने हमारे साथ ये सही नहीं किया, हमें बताया नहीं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, धोखा दिया सर। नो धोखा गिव एंड टेक, यकीन करो मेरा। पंडित हूँ लेकिन भगवान से ज्यादा भूत पे भरोसा है, साक्षात भगवान भी बोलेगा ना कि घर में भूत नहीं है, तो भी यकीन नहीं होगा मेरे को। बचपन में गैर फंसता नहीं था, भूत देखने के बाद हकलाने की बीमारी हो गई, मुझसे ये नहीं हो पाएगा प्लीज। अरे बट सर, 10 लाख गंवाने के बाद उतनी हवा नहीं निकली थी जितने भूत के नाम से निकल रही है। मैं बाहुबली से लड़ सकता हूँ सर, लेकिन ये भूत भूत से लड़ने के लिए मेरे अंदर दम नहीं है। आपको मेरी होने वाली सासू माँ का वास्ता। डर डर किस किस से डरोगे? बच्चे को खोने का डर, पत्नी के छोड़ने का डर, हीरो बन के पिक्चर हिट ना होने का डर, चोरी के इल्जाम में जेल में पत्थर तोड़ने का डर, जियोगे डर में मरोगे डर में, भगवान से डरोगे भूत से डरोगे, मर मर के जियोगे डर डर के मरोगे, अगर जीना है तो डर को मार के जियो, डर का मुकाबला मैं करूंगा, वो भी तुम तीनों के बिना अकेले यहां रुक के। जिनमें हिम्मत होती है, जो हौसला दिखाते हैं, उनका साथ खुद ऊपर वाला देता है। अगर दर्द से डर कर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या आज तुम्हारा वजूद होता? अरे तुम नसीब वाले हो जो कुदरत ने तुम्हें जीने का एक और मौका दिया, और उसे संवारने का मौका मैं दे रहा हूँ। अगर आज डर के हार मान ली तो हमेशा हारते ही रहोगे, तो मेरा साथ कौन देगा? मैं दूंगा। डर से अपनी जीत कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। डर के सामने डट के कौन खड़ा रहेगा? मैं रहूंगा। जय महेश्वरते, जय महेश्वरते। ओ
हॉर्न प्लीज. ओके ओके सब रेडी है ना? रेडी सर. बैकग्राउंड में क्यों खड़े हो? आप मोर्चा संभालो, हम चीयर लीडर है, आपको पीछे से चीयर करेंगे. आप हमारे नेता है सर, और नेता सबका लेता है, इतना भी नहीं पता है? जो जो जोखिम रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी थोड़ी देर पहले तो रेडी बोल के चिल्ला रहा था और अब वाइब्रेट कर रहा है, चला गया. नारे लगा लगा कर जोश की हवा भर दी. आप चलिए, आज मैं भूत की भी दाढ़ी बनाऊंगा. पर अपने जोश को मेंटेनेंस रखना. और राजू, यहाँ पर कोई किसी का लीडर वीडर नहीं है, आज से हम सब एक टीम है. और टीम में देखो देखो कुछ सीखो इस थर से, लड़ने के लिए धोती उठा ली. लड़ने के लिए नहीं, डर के भागने के लिए उठाइए. भूत को रेस में हरा कर भगाया. मेरे को अचानक याद आ गया, एक बच्चे के नामकरण के लिए जाना है, तो मैं हवन करके आता हूं. कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग साथ में ही रहेंगे. चलो सब एक दूसरे को पकड़ो. आओ आओ पकड़ लो, अच्छे से पकड़ो. रेडी सब? ओके. वन टू टू एंड हाफ थ्री. यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें मरना है क्या? मैं कहता हूँ अंदर भूत है, ऊपर भी भूत है. अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से. मैं जा रहा हूँ. नहीं, आदमी है, उसकी शक्ल भूत जैसी है, इसलिए पीता बहुत है. अंदर रखा था ताकि उसे देखकर कोई डरे ना. सर, ये गोली खाने से डर कम हो जाता है. इसे नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा. कैसी बातें कर रहे? आप मरेंगे तो आप भी भूत बन जाएंगे. प्लीज मत मरिए ना सर. वो मेरे हाथ में नहीं, हार्ट के हाथ में. खराब लीवर की बात करते तो मानते, पर ये हार्ट की प्रॉब्लम का क्या चक्कर है? क्या टेल करूं तुम्हें, एक वुमन ने मुझे डिसएम्पावर किया. फ्लैशबैक में जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल देना. नमस्ते अपकमिंग सासुमा. अरे क्या कर रहा है? अरे पैर नहीं पड़ रहा हूँ, पेपर उठा रहा हूँ. आपकी बेटी और मैं मल्टीप्लाई होना चाहते हैं. जंक फूड नहीं, ये वाली प्रोटीन शेक. आपका ग्रीन सिग्नल मिलते ही ड्राइविंग शुरू हो जाएगी. ये सच है? मुझे इसके साथ 20-30 का मैच खेलना है. अगर तू शादी करके इस विराट के साथ चली गई तो तेरी छोटी बहन के साथ घर कौन बसाएगा? मैं तो फड़फड़ाता हुआ दिया हूँ, न जाने कब बुझ जाऊँ. एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर. अगर मैं कब्र में उतर गई तो इसे डोली में कौन चढ़ाएगा? मम्मी जी, मेरा क्या आज मरी और कल दूसरा दिन. लेकिन तू हम दोनों के बारे में मत सोच, अपने हनीमून की खटिया बुक कर. इसका भी अच्छा फिगर होता तो कोई तो मिलता. इन दोनों की शादी होने से पहले ऊपर वाले मुझे उठा ले और तू जाके जहर खा ले. मेरी किस्मत. मम्मी, भले ही मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊँ, बहन की डोली उठने तक अपनी इस घर से डोली तो क्या, अपनी अर्थी भी नहीं उठने दूंगी. अपने माँ के पिलाए हुए दूध की कसम. जाऊँ ऐसी बेटी पे, अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रखती है. देखती हूँ जाके कहीं सचमुच जहर तो नहीं खा गई. जाने मन, सिचुएशन समझो. समझ गया, अपनी मैच बाद में, पहले तेरी बहन का मैच फिक्स करना पड़ेगा. सही राइट बोला? हाँ, सही कहा. मदर इन लीगल गुड न्यूज, आपके बैल जैसे बेटे को बेलगाम में नौकरी लग गई है. ले जा, जी ले अपनी जिंदगी. भगवान तेरा भला करे, इस दिमाग से पैदल को नौकरी दिलाई. दोनों चिल्ड्रन का काम हो गया, अब मेरी पेंडिंग एप्लीकेशन पर थप्पा कब लगेगा? इस बुढ़िया की सारी इच्छाएं पूरी की, इसलिए अब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो ना बेटा? अरे करेक्ट, सही पकड़े. बेटा तू भी तड़प रही है ना? मैं इनसे शादी करने के लिए ऐसे तड़प रही हूँ जैसे बिन पानी मेंढक फुदकता है. तो शादी कर ले बेटा, तेरे भाई की भी शादी हो जाएगी. पता नहीं बहू कैसी आएगी, हो सकता है मुझे झाड़ू से मारे या खाने में जहर दे दे. मेरी चिंता मत कर, जा. भगवान स्वर्ग नसीब करे मेरे पति को. तुम तीनों को मेरी गोद में डालकर वो अर्थी की सवारी लेकर स्वर्ग निकल गए. मम्मी, मैंने चरखा चला के तुम तीनों को पाला और अब तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो. ये बुढ़िया, मम्मी मेरा हुक्का पानी, प्रतिज्ञा लेती हूं, इसकी कमसिन जवानी आसमान फट जाए, सड़ा डालेगी पर मेरे काम नहीं आने देगी. पहले आपकी अर्थी उठेगी और फिर मेरी डोली. मैं नहीं बोलूंगा, तू ही बोल. चल, आपके पिलाए हुए दूध की कसम. तो मेरी बेटी नहीं बेटा है, मैंने तुझे जन्म देके गलती नहीं की. प्रियतमा. तमा तमा, कब लोगे? माफ कर दो. ये बात कर, एक तो तेरे हाथ का साइज देखते ही डर लगने लगता है मुझे. अब तो लगता है तेरी माँ के साथ अर्थी पर मैं ही लेटूंगा. एक ही चारा है, वन रूम किचन में हम दोनों माँ को भी एडजस्ट कर लेंगे और रोटियां साथ में बेलेंगे. चलो चलो, सासू मम्मी जरा शैलो को बुलाओ ना, कार्ड के सैंपल लाए हूं, सिलेक्ट करवाने हैं. अब कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों सासू मम्मी, शैलो कहाँ है? सुबह तबेले गई थी दूध लेने.
अब तक नहीं लौटी। उसे पता है ना दूध वाली कॉफी पीता हूँ, बस लेके आती होगी। आज के बाद ब्लैक कॉफी की आदत डाल, वो दूध वाले के साथ भाग गई। I'm sorry सिद्धू, सारी गलती मेरी है, मैं ही उसके प्यार में पड़ गई थी। वो था ही इतना शरीफ, दूध में पानी तक नहीं मिलाता था। ऊपर वाले की मर्जी, किसका कनेक्शन किससे जोड़ दे। उस दिन चाय के लिए पैकेट वाला दूध खत्म हो गया और मैं दूध लेने उसके तबेले गई और उसके प्यार में पड़ गई। माँ से कहना कि पैकेट वाला दूध मंगवाए और मेरी माँ को अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखना। आई एम सॉरी सिद्धू, सारी गलती मेरी है, मैं ही उसके प्यार में पड़ गई। वो था ही इतना शरीफ, दूध में पानी तक नहीं मिलाता था। ऊपर वाले की मर्जी। My God, क्या happen हुआ सर? वैसे तो हार्ट में 9 छेद होते हैं, लाखों में कोई ऐसा होता है जिसको एक छेद ज्यादा होता है। अच्छा, वो लकी मैन मैं हूँ? लकी तू नहीं है बेटा, लकी मैं हूँ, क्योंकि उसी छेद की बदौलत मैं दौलतमंद बनूंगा। ओहो, दिल तोड़ के दिल में होल कर गई, इसकी इरिस्पॉन्सिबल मेरी जीए। ए चुबे, छेद तेरी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं बना है, ये गिफ्ट तुझे पैदाइशी मिला है, बस उसका पता आज चला है। कितने का बिल फाड़ेंगे सर? सिर्फ 50 की बात है, छेद सिल दूंगा। 50,000? गुल्लक तोड़नी हा? पड़ेगी। अबे 50,000 नहीं, 50,00,000। मम्मी मरेगी। अरे हाथ मत लगा, सौदा फिक्स नहीं हुआ है। देख, हर बात पे ऐसे टेंशन लेगा ना तो ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। वो कैशलेस होता है क्या? सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होता है। फ्री में होता है तो अभी जाके करवा लेता हूँ सर। देख, वो अभी नहीं हो सकता, उसके लिए मरना पड़ेगा। पर सर मेरे पास 39,00,000 कम है। इतने छोटे अमाउंट से इतना बड़ा छेद नहीं सिल सकते। अगर तू कहे तो फ्री में एक एडवाइस दूँ। फ्री है तो दो दो। रिवर्स इमोशनल थेरेपी सुना है? यानी तू जब बहुत ज्यादा खुश होता है कैसे रिएक्ट करता है? सारे दांत दिखा के लाफ करता हूँ। अब से रोने की कोशिश करना। अच्छा, जब तुझे डर लगता है तो क्या करता है? डर के मारे वाइब्रेट करने लगता हूँ। देख, जब तुझे डर लगे तो जोर जोर से हंसना। अब ये बता, भूत देखने पर क्या करेगा? हंसूंगा सर। और कोई चुटकुला सुनेगा तो? टेसू बहाऊंगा। वेरी गुड। जब तक तू इस थेरेपी पर चलता रहेगा तेरी सांसें चलती रहेगी। ना चलो तो? तू चल देगा। इस फोकट चंद को डिस्चार्ज कर दो। होश में लाने के लिए जो पानी छिड़का था उसके लिए इससे 25,000 ले लो। डॉक्टर, रिवर्स इमोशनल थेरेपी। ओह भूल गया, डॉक्टर। और पेमेंट कर देना वरना हॉस्पिटल में पोछा लगाना। पापा, वैसे हम सब में एक बात तो कॉमन है, फूटी किस्मत और फटी जेब। पैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है। बरोबर बोला। पैसे के बिना हमारी लाइफ ऐसी है जैसे मर्सिडीज के टायर में हवा ना हो। गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर इस घर में सचमुच के भूत प्रेत हुए तो हम लोग तो मर ही जाएंगे ना। इस घर से बाहर भी तो हम जीते जी मर ही रहे थे ना। जब तक यहाँ 4 दिन नहीं रहेंगे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। मूर्ख इंसान, इस भूत बंगले में कैसे आया? तेरे खून का कॉकटेल जूस बनाकर पीऊंगा भाई। उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। अरे बहरा करेगा क्या, थोड़ा वॉल्यूम तो कम कर। जरा इस वॉचमैन से कुछ लर्न करते, कितने शांति से पीसफुली। किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी और किसकी। ओके। काश मेरे पास म्यूट का बटन होता। म्यूट करना है क्या? वाह, इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो क्या चीज है जो आदमी को अंदर लेती है और ऊपर नीचे करती है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? पता है तो सिद्धू भाव, अभी टाइम क्या हुआ? अबे ये कोई दवाई है क्या जो टाइम देखकर ही पीता है? ये दवाई इससे बढ़कर है। 8 के बाद आता है 9। अरे पर 9 कहाँ बजे? अबे प्यासे शराबी, अब तक 9 नहीं बजे, वो पहली सुलझा रहा था। आ गई ताकत रे। साष्टांग नमस्कार। आ जा रहा है? चगावत बारा चबा, मेरे को सवाल करता है? तुलसी चाटे हूँ मैं, जरा सी किससे पंडित को सम्मान देने का। मुंडे नीचे कर। अरे मेरी टांग। मुंडे नीचे कर, पंडित से जबान लड़ाते हवन कर दूंगा। एक दिन में सूरज कितनी बार उगता है? एकदम। अबे उल्लू समझा क्या? पावला, अबे गुड्डे,
ये ना अच्छी बात नहीं है, गड़ लगा है, क्योंकि जो पीता है ना मैं उसकी आरती में भी नहीं जाता, उसका हवन भी नहीं करता। अब सुन, मैं झोपड़े जा रहा हूँ, सुसु आए तो मुझ पे कर देना, समझा? ये आवाज कैसी थी? तुझे सुनाई दी क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, जब मन करता है इनकमिंग फैसिलिटी बंद कर लेता है। इंसान के शरीर पर कौन सा आर्ट किया जाता है जिसमें छह अक्षर होते हैं? शरीर पर आर्ट, छह अक्षर वाला टैटू। ओ टैटू, शरीर के आर्ट से हार्ट याद आ गया, अपनी दवाई खा लेता हूँ जल्दी से। को तो इतना भी नहीं पता बुद्धू। यहाँ पानी कहाँ है? राजू, राजू, हंसने को राज, कान ऑफलाइन है मतलब सेफ है। कृष्णा की बांसुरी सुन के गोपी आती थी, तेरी बांसुरी सुन के भूतनी भाग रही है। ब्रेन ब्लोइंग, बजाते रहे, लूट से लूट उनका चैन। अरे बाबू, ढोलक बजा रहा है क्या? अरे गधे कहीं क्या है? क्यों भी मोटे, एक गिरे हुए इंसान की मदद नहीं कर सकता? तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? भूत के नाम पे कलंक है तू। नौटंकी करने के लिए भूत ही मिला, वोट देने के बाद ठेंगा मिलता है। पिज्जा आधे घंटे में पहुँचता लेकिन एम्बुलेंस नहीं, कैसा देश है ये?
नेताजी मुझे रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। खामोश, अमीर देश की गरीब जनता। पर आपने ये देने का वादा किया था। ए, मैं वादा तोड़ने के लिए करता हूँ। मैं मर जाऊंगा मेरी बला से। आपको अपने बच्चों की सौगंध। मुझसे दूर हो, तुझसे आ रही है दुर्गंध। सही बोल रहा है यार, मैं नहा के आता हूँ। छल कपट से पांडवों को हराया, मामा से चीटिंग सीखी दुर्योधन। तेरे रास्ते लगाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्यों करता है अपने आप पर घमंड, तू तो है सबसे बड़ा पाखंड। जब तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, तब तू अपना काला मूलिए सीधा मेरे पास आएगा, और तभी होगा तेरे पापों का अंत। तैयार हो जा अपना चीर हरण करवाने के लिए। अबे चलती फिरती नाटक कंपनी, हीरो हीरोइन विलन सबके डायलॉग खुद ही बकता रहता है। अरे कौन है बे तू? ए, मैं फ्लॉप होकर हिट हुआ हूँ, इसका मतलब मैं बाजीगर हुआ। ए, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लड़कियाँ अच्छी नहीं है। अगर शराब बुरी चीज है तो उसे पीकर ही खत्म करते हैं। चाहे ओबामा हो, सामा हो, सब हमारे घर आकर हमारे भैंसिया का दूध का चाय पी के गए हैं, तुम को पिलाएंगे। पता है एक बार हम हेलीकॉप्टर में पटना से मुंबई जा रहे थे अंगोछा लेने, और गलती से ससुरा खैनी खा लिए। खैनी खाते ही भेजा झन्ना के, और थूकने का दिल हुआ तो खिड़की खुली ही नहीं। फिर आगे क्या हुआ बताना। ए, क्या एक बार में पूरी पिक्चर देखेगा? हाँ, एक बांसुरी बजा के भगाता है, दूसरा डायलॉग मार के भगाता है। वाह वाह। तू क्यों हंस रहा है? तुम क्यों हंस रहा है? वो मुझे लगा तूने मुझे बुलाया। मुझे सुसु जाना। तो सुसु जाना मुझसे क्यों पूछ रहा है? जब तक मैं सुसु करूँ तब तक तुम पकड़ोगे क्या? क्या पकड़ो? बांसुरी। ओ, ये वाली बांसुरी, ठीक है जा। वैसे साथ चलते तो और ज्यादा मजा आता मुझे। एक बात बता, तू सुसु करने जा रहा है या दीवार पे पेंटिंग बनाने जा रहा है? जो मैं साथ चलूं। अकेले जा, भलाई का जमाना ही नहीं। जा, नहीं तो खींच के कुल्ली करवा दूंगा। चल। वैसे डर के मारे पूरा शरीर गीला हो चुका है। ओ। हाँ? ओ। हाँ बाबू, एक मिनट, बस हो ही गया। मेरे कैसा लगना भी है क्या? सर, कैसे पता चला? अंतर्यामी हो? मटके में जो कर दिया। आजकल कमोड भी मटके के शेप में आने लगे। अबे साइलेंट मोड या कमोड नहीं है। आप भी ना सर, अच्छा मजाक कर लेते हो। किडिंग। ठीक है चल, फ्लश कर और बाहर निकल। ए? फ्लश कर, फ्लश। सुना नहीं क्या? मुझे दूसरों के सामने फ्लश करने में शर्म आती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाथ धो के आना। रात भर फ्लश ही करता रहेगा क्या? तुम अब तक गए नहीं क्या? टॉयलेट में तुझे लेट राजू बना दूं? सर, मेरी बात सुनिए। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। सूरज ढलने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को बता। अरे छोड़, ये मेरा पैर नहीं है, रुक। तुझे नाइट ब्लाइंडनेस है? हाँ सर। तेरे तो सारे कनेक्शन लूज है। थैंक यू सर। एक बात पूछू, दिन रात बांसुरी क्यों बजाता है? दरअसल जब भी डर लगता है तो मैं बांसुरी बजाता हूँ, म्यूजिकल थेरेपी है। एटीएम में क्यों बजाया था? मैं डरा हुआ था। और अभी सोफे पे? वहाँ भी डरा हुआ था। ओ। बेवड़ा ऊपर किसके साथ कबड्डी खेल रहा है? ले पकड़ से, डर लगे तो फिर से बजा लेना। स्पीकर और डिस्प्ले दोनों डिफेक्टेड है। आज चोरी पकड़ी गई, बेवकूफ। तुलसी चाटे, ए चाटे, ये चाटे बोतल छट करके कहाँ चला गया? यहाँ पर स्लीप कर रहा है। ये मेरा टॉय है। ये मेरा टॉय है, मुझे वापस कर दो। बेहरे हो क्या? आवाज नहीं आ रही। ए, काय को ठोक रही है? वो टॉय मेरा है। टॉय तेरा किधर से हो गया? आंखों में चूना लगाया तो क्या मेरे को भी चूना लगाएगी? है? मैंने कहा ना वो मेरा है। ए, भाई नहीं देने वाला। अगर तेरे को टॉय चाहिए तो जा केस कर मेरे पे, लेकिन याद रख, अगर तू केस हार गई ना तो तेरे सारे खिलौने मैं ले लूंगा। चल जा, जाके होमवर्क कर। चमाइला खटिया के नीचे से रात को टॉक टॉक करके उठा दिए, तू सो जा रे। सुन चाटे, चल नीचे, चल नीचे। नहीं आऊंगा मैं, गेट आउट। बॉटल खोलेंगे, आ जा। ये तो एरे में। दुनिया मेरा घर है, धरती मेरी माँ है, बस स्टैंड पर मेरा अड्डा है, प्लेटफॉर्म पर मेरे वड़ा पाव का धंधा है, बड़े काम का ये बंदा है, पर आजकल धंधा बंद है।
ओ बाबू भाई अच्छा सिद्धू भाई, तुलसी भाई और बाबू भाई को बुला लो, मजा आएगा। लेफ्ट राइट बैठे हैं तो तुलसी, डरा मत, अंताक्षरी खेलते हैं। अबे तू क्या भूतों का डीजे जो उनके लिए रिमिक्स बजाएगा और भूत ताता थैया करेंगे? अरे पीएलआई क्या, ये घर मेरा है, इधर नो डीजे। ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरा है। तुलसी चाटे का ये घर हमारा है। सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को भी मार मार के भूत बना दूंगा। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है तो हम तुम लोगों को डरा कर मार देंगे। ए, पता है हम भूतों के पास एक चीज नहीं होती है, मरने का डर। डर और खौफ से हमारी पुरानी दोस्ती है। आज तुम्हारी आंखों में डर देखकर बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। ये सुसु तुझे डर के मारे आ रही है। भिड़ जा। एक्टिंग ठीक है पर वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ है? भूत के सीन में आवाज के साथ फेस पर एक्सप्रेशन चाहिए। पहली फिल्म में ऐसा होता है। ओए बस दो घंटे में मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि डराते कैसे हैं। ऑस्कर शॉट। और ठीक है, मैंने सिखाया है। दादाजी इस चड्डे को मैं एक्टिंग सिखा दूंगा। वैसे आजकल मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। बैड भूत, कितनी ओवर एक्टिंग करता है, डराना क्या मैं सिखाऊंगा? तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात और, एक्टिंग कभी क्लास से नहीं सीख सकते, अगर सीखे तो घंटी बज जाएगी। निकल निकल, तू भी निकल। डर इज गॉन। हे डोरेमोन पोकेमोन छोटा भीम। सपने में चार भूत आके मुझे डरा रहे थे। ये रो एक्टिंग शुरू, चुपचाप सो जा। पार्टनर, बाकी तो भूतों के रिसेप्शन में गए क्या? अबे तुझे चाटे ने काटा क्या? वो देख सामने कौन है। रात को पी के नाक में दम किया, अब धुआं फैला के आंख में दम कर रहा है। वो देख। यस। हाउ गोइंग ऑन? हेलो मॉर्निंग क्या कर रहा है? मारना है ये लो। अबे डिफेक्टेड पीस ईयरफोन कान में लगा। आप टेल क्या डूइंग? निशाना सही कर रहा हूँ। अबे सरकारी दफ्तर की तरह 6 बजे तेरी आंखों का शटर बंद हो जाता है तो ये निशाना। ओहो, तुझे पैसे का इशारा दूंगा तो सब कुछ कान खोल कर सुनेगा। होशियारी शोइंग, कान की मशीन निकालता। गंगा जल के लिए हाथ फैलाइए। दिन में गंगा रात में नंगा। अरे आत्मा नहीं है, कोई दरवाजे पे आया है। ये रॉकेट को पॉकेट में रख और तू बहरे स्पीकर लगा तेरा। ए, पेट अंदर सीना बाहर, आजा। बेटर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सब ठीक है ना? हाँ सर, नो प्रॉब्लम, रात को तो बहुत अच्छी नींद आई। पाए लगू सर। स्टैंड लगा। साबित कर दिया सर, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, मस्त खाए पिए। रात को तो अंताक्षरी भी खेली। नहीं रात को तो मैं सुकून की नींद सोया। इतना सोया मैं, उठना भूल गया। सर ए हेलो, तो फिर से यहाँ आ गया? सर, ये आने के लिए मना किया था ना? तो सुनिए सर, मुझे बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना है, अपनी दीदी से पूछ के चला जाऊंगा। ये क्या बोले जा रहे? दीदी किसी दीदी से? दीदी कोई जानता है? दीदी को नहीं, हम नहीं जानते। तुम अपना फोन नंबर दो, दीदी मिल गई ना तो मिस कॉल कर दूंगा, फिर दोनों भाई बहन मिलकर राखी खेलते हैं। सीधे बात भेजे में नहीं घुसती, बोल तुझे कैसे समझाऊं? घर में आत्माओं का वास है। आज अमावस की रात है और आज ही की रात आत्माओं की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। अगर 1 सेकंड तू यहाँ रुका ना तो मैं कमिश्नर को फोन करके दोनों को जेल में डाल दूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। यार चुपचाप चला जाए, चलो यहाँ से, चलो फुल मून के दिन आज नहीं, आज उपवास है, चलो उपवास का चूड़ा खिलाता हूँ। चलो सर, अब नेक्स्ट अमावस्या तक अपना माउथ नहीं दिखाएंगे। एक खरीदार मिल गया, 2-3 दिन में यहाँ पहुँचेगा, तब तक बिना डरे यहाँ रहना होगा। डरना क्यों हुआ? हम किसी से क्यों डरेंगे? सिर्फ 3-4 भूत ही तो है यहाँ। वो तांत्रिक कौन सी दीदी भूतनी की बात कर रहा था? अंदर चल बताता हूँ। बहरे चलना अंडी चौरसिया, अंदर चल के बजा चल। हेलो यादव मिस्टर। यार है ब्रोकर, करोड़ों की डील करने जा रहा है। सर पैसों की हार्ड जरूरत थी इसलिए ऐसा किया। उस घर का सौदा मैं ही करूंगा। अच्छा होगा तू उस मैटर से दूर ही रहे, वरना तुम सबको मार मार के भूत बना दूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। हेलो। इसने फोन नहीं अपनी लाइफलाइन काटी है। का
काम पूरा हुआ कि नहीं? उन्हें आत्माओं पर यकीन ही नहीं है। नकली तांत्रिक ने डराने की पूरी कोशिश की लेकिन उन गधों को डर ही नहीं लगा। मुझे नहीं लगता ये प्लान काम करने वाला। अगर वो लोग दो दिन और वहाँ रहे तो खेल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे ये लोग सीधी तरह से मानने वाले नहीं। तो करना क्या है? कोई बिना अपनी आँखों से देखे आत्मा पे कैसे यकीन करेगा? उन्हें हम भूत दिखाएंगे, भूत देख के उनके छक्के छूट जाएंगे और वो लोग डर कर भाग जाएंगे। दादी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, वो हमसे मिलने यहाँ आएंगी ना? देखना, वो एक दिन जरूर आएंगी। पता नहीं मालकिन कहाँ किस हाल में होंगी, हमें याद भी करती होंगी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह उनकी भी मौत हो गई है? मेरा मन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगी, इसीलिए हम उनका इंतजार करेंगे। चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाए। ये क्या सफेद साड़ी पे लाल लिपस्टिक लगाया है? भूत लोगों के ना लंबे नाखून, चमकती आंखें होती हैं। सच में भूत हुआ ना तो तुझे चपटा कर देगा। ये सुहाग रात नहीं है, सुहोरा रात है, गधे कहेंगे। ये काला ड्रेस और काला चेहरा देख के भूत भी डर जाए। ग्लैमर चाहिए डराने के लिए, चल। तू तो बिना गेटअप के भी चुड़ैल दिखती है। अगर हमें इस घर में रहना है तो उन चार जोकरों को निकालना पड़ेगा। उन्हें लगता है डर के आगे जीत है, हरा के आता हूँ। इतना डराना है कि उनके साथ पुश्ते भी डरती हुई पैदा हूँ, यही यादव भाई का ऑर्डर है। मुझे एक्टिंग मत सिखा। बात है मोटा भाई, क्या परफॉर्मेंस दिया है। तुम्हें भी यादव भाई ने इधर भेजा है ना? पेमेंट की बात में करेंगे। ये यादव भाई ना किधर से अच्छा अच्छा एक्टर लाता है, एकदम ओरिजिनल। आ गई ताकत रे। इंसान और जूते में कॉमन क्या होता है? सोल। अभिषेक, अमिताभ का क्या लगता है? सेतु भाव लघु शंका लगी है तो मैं करके आऊं क्या? अवश्य करिए। इसको संस्कार बोलते हैं। तू फूकने के सिर्फ बांसुरी में फूक मार। आई शपथ, अगर सल्लू भाई ने इसको एक्टिंग करते देखा तो अपनी फिल्म के दो तीन सीन तो पक्का रिटेक कर डालेंगे। सेदो भाव, अदर प्रॉमिस मैं कुछ नहीं किया। ज्यादा मीठा मत बन, माला माहिती है। पी के डबल रोल करता है। सिद्धू भाई, बार बार फैन क्यों बंद हो रहा है? इलेक्ट्रिक पब्लिसिटी नहीं है, कैसे चलेगा? लाइट नहीं है, बाप रे। लाइट से तुझे क्या फर्क पड़ेगा, अंधे कहेंगे। सही कहा, काला अक्षर भैंस बराबर। मेरा भी वही हाल है। सिद्धू भाई, बिना हाथ लगाए बात कर। सिद्धू भाई, रात को मेरे साथ सो ना। कैसी अनहाइजीनिक बातें करता है, कभी बोलता है सुसु करने चलो, कभी बोलता है साथ में सो जाओ। अकेले नींद नींद आती है। पहले पहली का जवाब दे, अगर खींच के तुझे लाफा मारा तो पहले क्या फटेगा? कितने अक्षर है? हिंदी के दो अक्षर हैं। समझ गया। एक से एक सैंपल मिले हैं, भूत से ज्यादा तो इनसे फियर होता है। ए मोटा भाई, क्या जच रहे हो? मेकअप भी एकदम मस्त है, एकदम ओरिजिनल भूत लग रहे हो। एक्स्ट्रा पेमेंट तो बनता है। ए, मेरा पेमेंट मत खा जाना। ये देख के नहीं चल सकता क्या? फिर से बीच में आया तो नाक तोड़ दूंगा। हमारी
माचिस से क्या ढोले? माचिस नहीं तो तीली भी चलेगी। ये भैरे, अरे माचिस देना। तुम सिगरेट खरीदते वक्त माचिस क्यों नहीं लेते बे? चुप! माचिस मांगा तो मेरे को ब्रह्म ज्ञान बांटता है ब्लडी फूल। अरे कपल में अंगार है ना। गंदी आवाजें निकालते हुए अच्छा वीडियो देखने वाला पहला आदमी देखा है। तू इसको चप्पल उतार दे। इसकी गंदी हरकतें देखकर भूतनी भी शर्मा गई। सुनो, यहाँ तो सच की आत्माएं हैं, भूते नहीं, भूत का पूरा खानदान। तुमने मुझे क्यों मारा? बस ये रोल मुझसे नहीं होगा। क्या मामू, तुझे दर्द नहीं हुआ? ये घर हमारा है। वेरी गुड। एक और कैरेक्टर, या भूतनी के साथ मजे कर और क्या। Yeah.
ए, क्या हुआ? वहाँ तो सचमुच भूत है। मेरे को मामू बना रहे क्या? मैं मामू क्यों बनाऊंगा, वहाँ सचमुच भूत है। ऐसा है तो वो चारों अब तक कैसे टिके हुए हैं? वो चारों इंसान नहीं, भूतों के बाप हैं। वो नहीं डरने वाले। चल रहे। ओके। बॉटल रख। भिखारी के यादव, ये भाड़े के टट्टू किसी काम के नहीं है, खुद ही कुछ करना होगा। ठीक है। ऊबर वाले ने तुझे इंसान तो बना दिया, पर तेरे हाथों में रेखाओं का डिजाइन बनाना भूल गया। एक मिनट। हेलो, तुमसे मिलने की जिद कर रही है। उनसे टेल करो कि 2 डेज में रिटर्न आ जाऊंगा। कुछ अर्जेंट काम हो तो कॉल कर। ठीक है भैया। फिर भी मेरा एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ओके। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मम्मी का केयर टेक करना। ए पार्टनर, शाहरुख के डर में जीते हो या दिलीप कुमार की दिल दिया दर्द लिया में? अरे डर से तो लड़ा जा सकता है, पर दिल के जख्मों से नहीं लड़ सकते। अरे पार्टनर, दोनों में फर्क क्या है? दर्द में तो आंखें ही गीली होती हैं और डर में पैंट भी गीली होती है। अच्छा, सिद्धू भाव लगता है ये भी गीला हो गया है। अरे ओ सिद्धू भाव, फोन पे बीवी से बात नहीं हो पा रही है, ब्यूटी पार्लर में बैठी होगी। वो पहले से ही चिकनी है। इसको अवॉइड कर, तू बोल। तुला तो माहिती है ना कि मेरे बेटे का ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि जरा उसको देख के आ जाओ। ठीक है, जाओ उससे मिलकर। रास्ते में दारू पीने मत बैठ जाना। और ला के दूंगा। आ गए झूठा प्यार दिखाने। पीने के पैसे कम पड़ गए होंगे ना? ये लो, ये पैसे भी ले जाकर विजय माल्या की तिजोरी में डाल दो। मैंने तो ब्रांड बदल लिया है। तो ठहराए पी लो जाकर। विश्वास कर, 2 दिन में ऑपरेशन के पैसे ले आऊंगा। आता मैं चेंज डालूंगा, तुम सबका ख्याल रखूंगा, माझा डोके की शपथ। मैं तुम्हारी मक्कारी जानती हूँ, जैसे ही पैसे आएंगे फिर से पीना शुरू कर दोगे। वैसे भी मैं ऑनलाइन दूसरा पति ढूंढ रही हूँ। बस आखिरी बार भरोसा कर लो, मैं सचमुच बदल गया हूँ। बेटे के सर की कसम खाता हूँ, मुझ पे विश्वास करो। रात को एंटरटेनमेंट कैसे होगी? इसे भी अभी बंद होना था क्या? ये रहा एंटरटेनमेंट का पैकेज। चलो भर पिएगा क्या? क्लास में भी। अरे चाटे, आजा आजा आजा। सबके लिए गुड न्यूज है, अपनी मेहनत कलरफुल हो गई है। कल से इस भूत बंगले से हॉलिडे मिल जाएगी। ओनर का मुझे कॉल आया था, बोला बिल्डर अग्रीमेंट हो गया है, ये घर खरीद लेगा, इसे तोड़कर मल्टीप्लेक्स बनाएगा। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। जब देखने यही पर आएंगे हम लोग। अरे सब करोड़पति बनने वाले, तू क्यों मुंह लटका के बैठा है? ये ले चख लिखा, चखना है। कंग्रेचुलेशन। वो सामने नहीं है, चलो ऐश करते हैं। आज बॉटल में अंडरग्राउंड स्विमिंग करेंगे, कोई लिमिट नहीं। मैं नहीं पिएगा। व्हाई नॉट पिएगा? 9 बजे इसलिए, आज कोई मुहूर्त नहीं है, चल पी। कसम खाइए इसको छोड़ दूंगा। किसे? राजू को। ऐसे टाइम पे मजाक मत कर। मैंने कसम खाई है। फिल्मी की कसम है इसकी, नहीं अपने पोरगे की। वो तो हजम भी हो गई होगी, चल घटक जाए इसे। भले ही जान चली जाए लेकिन पोरगे की कसम मैं नहीं पीऊंगा। अरे एक लास्ट टाइम हमारे साथ भी पी लेना, फिर कल से छोड़ देना। कर लेना, जबरदस्ती क्यों कर रहे तू? बेटे की कसम हो या चंबल की कसम, तेरे को भी कसम है, चल डाल। और एक्टिंग की ड्यूटी शॉप। इमरजेंसी है, मैं जरा हल्का हो गया था। कहाँ पे करेगा? सही जगह करूंगा। टेंशन नहीं। इसको बोल पकड़ के करना, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। अबे खाने वाले हाथ के नहीं, धोने वाले हाथ की तरफ जा, निकल। टॉयलेट कहाँ गया? यही तो होना। हाँ, एक दो तीन चार, पहुंच गया बस। नहीं नहीं पीऊंगा। अबे समंदर लेकर नहीं बैठा हूँ, बोतल है मेरे पास। ओ, चाटे तुझे ग्रेप्स की फैमिली की कसम, बेवड़ों की इज्जत की कसम, इसे गले से उतारते ही सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पीजा पीजा पीजा। बेवड़ा पीने को तैयार नहीं, बाबू का मोबाइल चलने को तैयार नहीं, आज गलती से भूत आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ओ और एक्टर, एक आखिरी बॉटल बची है, बस यही हेल्पर है। भाऊ जरा इधर। कमिंग। खुद को हैंगओवर तो नहीं करने वाला? बाबू भाऊ, 9 बजते ही अंदर शराब की गुदगुदी होती है, लेकिन आज मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं मेरे को खोलना मत। कुर्सी से बांधो, मेरे को कुर्सी से बांधो, और एकदम कस के बांधो, और अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी उसको खोलने मत देना। नहीं खोलूंगा, दोस्ती की कसम। बाबू गोटे बोलो, तुलसी चाहे आंधी आ जाए या शेर आ जाए, खोलूंगा या भूत आ जाए। नहीं, इसीलिए तो पिला रहा था मैं। खोलना मत। चाहे तेरे को टॉयलेट आए या बाथरूम आए, ये रस्सी नहीं खुलेगी। नहीं, समझ गया तू? हाँ समझ गया। अरे मत बांध उसको। ए स्पॉट बॉय, जा चाय ले गया। बाबू भाऊ रस्सी खोल दो,
बिना दारू के थ्रस्टी क्रो बन गया हूँ। जेब भी सूख रही है, खोल दे रे बाबा। काई को बांधने को बोला मैंने, आके रस्सी खोल दो ना जल्दी प्लीज। तुम लोगों को दारू की कसम, खोल दे रे बाबा। टेंशन नहीं लेने का मामू, अपन एक्टिंग का जलवा दिखाएगा, दारू पे ध्यान ही नहीं जाएगा। एक थकेली हवेली में दो भूत रहते थे, एक अमिताभ जितना लंबा और एक बबीता जितना मोटा। अरे उधर सामने सचमुच के भूत है, मुंडी को यू टर्न मार के देख, रस्सी खोल नहीं तो मैं भाग नहीं पाएगा। कहते हैं भूत है, भूत है, कहाँ है भूत, दिखा मेरे को। अरे तू रस्सी खोल फिर बताता हूँ, तू रस्सी खोल फिर बताता हूँ। 50 मुल्कों की क्राइम ब्रांच ढूंढने इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ मैं? मुझसे आंख मिला सके किसी अंधे में दम नहीं, मेरा कोई सामना कर सके किसी बंदे में दम नहीं। शेर का सीना है, गीदड़ की खाल है और चीते की फूर्ती है। था मैं तो आजा मुझसे कबड्डी खेल ले। तेरे को सारे सुपरस्टारों की कसम, मेरी रस्सी खोल जल्दी। मैं भूतों की कसम खाता हूँ, यहाँ पर भूत है। सिद्धू भाऊ इधर आओ, पहले मेरी रस्सी खोल। नहीं नहीं, भूत नहीं है, तू होश में ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। बाबू मेरा भाई, मैं तो फेंक भागी कर रहा था, कुर्सी आगे कैसे आई? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसा है? अरे वैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा वैसा छोड़, अरे पहले मेरी रस्सी। एक सेकंड मुंह बंद कर, डेमो दिखाता हूँ। ये देख, मैंने जांग पे मारा, कुर्सी आगे आई या नहीं आई? तुम अपनी जांग पे मारो, अपनी जांग पे। अरे तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मेरे को नीचे उतारो। देखो चमगादड़ के जैसा उल्टा लटक गया हूँ, मैंने बोला था ना इस घर में भूत है। एक सेकंड कुछ करता हूँ, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। उतारता हूँ तो भाव, मेरे को नीचे उतारो नहीं तो मेरी समाधि इधर ही क्या कर रहे हो बाबू? बाबू होश में बाबू। अरे मेरे को लेके जाओ, मेरे लिए चल दो बाबू। सब फट जाएगा, अंदर आ, रुक। किससे? रुक जा बाबू, चल दो बाबू, चल दो बाबू, जल्दी आओ। स्टॉप कर मुझे, चल दो बाबू, मैं बीवी बच्चा है कि नहीं? तू भाई सेट कर, जरूर लेकर आता हूं। खुल जा, खुल जा, खुल जा, सिम सिम, ओपन एग्जिट समथिंग, खुल नहीं रहा दरवाजा। राजू, अरे मुंह क्या देख रहा है तेरी? राजू, राजू, अरे राजू, राजू बंसी, अरे इधर आओ, पहला सीढ़ी लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे मेरे को जल्दी बचा लो रे बाबा, मैं पंडित हूँ रे बाबा, हाथ छोड़ता हूँ तेरे, पंडित तो बचाएगा, पुण्य लगेगा। अरे वाचाओ, वाचाओ रे बाबा, वाचाओ। अरे बचाने बोला तू तो लेट रहा है, बचा ले रे। अरे तेरे पूरे परिवार की पूजा करूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा, मेरे को बचा था। पढ़ना पड़ेगा, पहले इसको हटा ले रे। अरे अगर मैं निकल लिया तो मेरी बीवी बच्चे दूसरे के साथ निकल लेंगे। और नीचे अरे सीधा मेरे पेट में आ गया, मेरे बीवी बच्चों को अनाथ होने से बचा ले रे। ऐसे तू भाव जल्दी आ रहे, मेरे को बचा ले। अरे मैं बच गया, वो रोड पे नीचे आ गया। आराम से, आराम से, आराम से, आया आया, कोई खोलो मेरे को, सांस ले। मेरे तो जाने निकल के हाथ में आ गई थी। माँ को यहाँ पर क्यों लेकर आई? तुमसे मिलने की जिद कर रही थी। रिटर्न जाओ, पहले ही कहा था, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, यह कुछ तो है। अरे जल्दी भागो, दरवाजा बंद। दादी माँ, खोलो, खुल जाओ। माँ, मामा हैपन मोड, मामा वह उस साइड मत जाओ। माँ ये भूतों का ट्रैप है। माँ माँ बात सुनो, माँ, ए माँ, माँ लिसन रही है या नहीं? दादी माँ, व्हाट्स अप माँ, ये तुझे दादी क्यों बोल रहे हैं? ये कौन सी शिप का रिलेशन है? ये मेरी अर्धांगिनी है, ये इन्हीं का घर है, 2004 से हम इनका इंतजार कर रहे थे। आरती लो बेटा। मीठा,
ला पापा पापा मलेशिया में बिजनेस का अच्छा ऑफर मिला है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वहां 6 महीने रुकना पड़ेगा। मम्मी पापा को समझाओ ना। इसे जाने दीजिए, कह तो रहा है 6 महीने में वापस आ जाएगा। पापा ठीक है जाओ। थैंक यू पापा। बाय माँ। बेटे अपना ख्याल रखना, खाना टाइम से खा लिया करना। ठीक है माँ, आप पापा का ख्याल रखना। बाय बाय बेटा। बेटे राम सब ठीक तो है ना? ये लीजिए दूध पी लीजिए। आज भी राम का फोन नहीं लगा। ये लो अपने दादाजी को खिला दो। मिठाई? तुम्हारे दादाजी को मीठा मना है? अरे ये क्या? आज से हम भी नीचे बैठकर खाना खाएंगे। ऐसे नहीं, उंगली ऐसे रखते हैं, समझी? शाबाश। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। ये कंगन लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। आज से तुम मेरी छोटी बेटी हो। मेरे साथ कोई और भी है, उसे लाने की जरूरत नहीं। आप अंदर चलो। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। तुम लोग भी आओ। अरे क्या कर रही हो तुम भी? आप अचार लेंगे? बेटा राम आ गया। माँ मैं कहता था ना, इसे हमारी याद खींच लाएगी। चल चल अंदर चल। पापा वहाँ बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, अगर जल्दी उसे सेटल नहीं किया तो इतनी मेहनत से बनाई हुई मेरी पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। पापा अगर आप चाहे तो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर आपके पास नकद नहीं है तो इस घर को बेच दीजिए ना। बेटे मैं तो सोच रहा था कि तुम अपनी माँ से मिलने मलेशिया से आए हो। घर बेचने के बाद आप सभी मेरे साथ मलेशिया चल सकते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। लेकिन हमने इन बच्चों को गोद लिया है, हम इन लोगों को छोड़कर मलेशिया कैसे आ सकते हैं? आपको सगे बेटे की कोई परवाह नहीं है, ये अनाथ आपको ज्यादा प्यारे हो गए। क्या कहा अनाथ? ये तू क्या कह रहा है? ये अनाथ नहीं है, इन्होंने तो सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है। अनाथ तो तू करके गया। पापा मेरा वो मतलब नहीं। ये है मेरा असली परिवार। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इन अनाथों के नाम कर दूंगा ताकि कल कोई इन्हें दोबारा अनाथ ना कह सके। बेटा राम इसे क्यों रोक रही हो? इसने जी तेजी हमें अपनी जिंदगी से अनाथों की तरह निकाल दिया। राम जाने दो, अगर उसके लिए तुम्हारी ममता जिंदा है तो उसके साथ तुम भी चली जाओ। जाओ चली जाओ यहां से। उस दिन के बाद हमें क्या हुआ, हम लोग कैसे मरे कुछ मालूम नहीं। राम ने तुम सबको मारा। क्या? राम ने तुम सबको मारा है, राम ने तुम सबको मारा है। एक अनाथ मुझसे मेरा घर छीनेगी, मर। आ तेरा क्रियाकर्म भी कर ही देता हूं। क्या कर रहा है तेरे पिता है ये? लेकिन फिर ये घर कैसे मिलेगा?
रेस्ट इन पीस। मम्मी मम्मी परिवार को अपनी औलाद के हाथों मरता हुआ देखकर तुम्हें कितना सदमा पहुंचा होगा। एक माँ के लिए इससे बढ़कर अभिशाप और क्या हो सकता है। ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। ऐसी औलाद होने से अच्छा तो औलाद हो ही ना। हमें ऐसा लग रहा था कि हम चारों तकलीफ में, हमसे ज्यादा तकलीफ में तो ये भूत लोग हैं। सही कहा, हम तकलीफ में है पर कम से कम जिंदा तो हैं। इन बदकिस्मत आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करना ही होगा और इन्हें मुक्ति इंसाफ से मिलेगी। सही का। हेलो राम मिस्टर। हाँ बोलो सिद्ध। आपकी मदर उत्तराखंड से लौट आई हैं। सच में? जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। बस 10 मिनट में पहुंच। ठीक है। पेंडिंग केसेस चेक कर रहा था तो एक मिसिंग कंप्लेंट की फाइल सामने आई। इंक्वायरी करने पर पता चला कि यह औरत सिद्धू के साथ रहती है। वो उसे घर के पास मिली। वो औरत तो कभी उत्तराखंड गई ही नहीं थी। सगा बेटा होते हुए भी किसी और ने उसे माँ का दर्जा दिया। तुम जानते हो असली बेटा कौन है? ए, तुमसे ज्यादा ना सही लेकिन कम कमीना भी नहीं हो। अब सुन, एक ऑफर देता हूँ। 1 रुपए का सिक्का उठा, घर हमारे नाम कर और पहली फ्लाइट से मलेशिया निकल ले। यादव मिस्टर, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? ये डिसेंट्री है, चीटिंग है ये। काना यहीं खड़ा रहा है। चल कोने में चल। हटने के बाद इसको। राम की माँ किधर है? बोल। बता। किधर है? किधर है? यादव भाई, एक मिनट। सिद्धू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई तूने। बताओ माँ कहाँ है? मम्मी, मम्मी, मम्मी कैसी हैं आप? आपको जिंदा देखकर खुशी हुई। सफर अच्छा रहा ना? अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। वैसे पापा कहाँ हैं? ओह, ऊपर आराम कर रहे होंगे। ये क्या माँ, आप लोग बिना बताए तीरथ पर निकल गए। हॉस्पिटल से लेके वृद्धाश्रम तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आप लोगों को। अब जाके आप मिली है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जरा एक मिनट रुकिए, मैं बस अभी आता हूं। ए, इस घर के लिए मैंने अपने बाप तक की विकेट गिरा दी और ये राज तुझ पर जाहिर हो गया, तो तुझे भी उनके पास पहुंचा देना चाहिए ना। सर प्लीज सर, सर। यादव, माँ के साथ साथ इन्हें भी स्वर्ग भेज दो। Hey!
तुमने हमें बनाया। राम ने तुम सबको मारा है। राम ने तुम सबको मारा है। फुटेज किंग चल रहा है। फ्रेंड्स वेट वेट वेट, क्या हुआ? ये तो निकल पड़े। अच्छा शुक्रिया। जंपिंग बाबा की जय। डरते नहीं, डर रहे कि डरा रहे। आधे घंटे में आता है और वड़ा पाव जाके लेना पड़ता है। बाल डिस्टर्ब कर रहा है।